मैं संजय सैनी, HOD इलेक्ट्रॉनिक्स, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज अलवर। मैं आज को कल आप आज 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 आपको कलर सिग्नल ट्रांसमिशन और रिसेप्शन के बारे में बताऊंगा। इसके अलावा मैं आपको फ्रीक्वेंसी इंटरलीविंग के बारे में बताऊंगा जो आपके किए कोर्स में है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन, तीन तरह के सिस्टम होते हैं कलर ट्रांसमिशन, कलर टीवी ट्रांसमिशन के लिए है। अमेरिकन सिस्टम है NTSC, जिसको कि हम नेशनल टेलीविजन सिस्टम कमेटी कहते हैं NTSC। जर्मन पाल सिस्टम है, जिसको कि फेज अल्ट्रेशन बाय लाइन, पाल का मतलब फेज अल्ट्रेशन। देन फ्रेंच है, फ्रेंच CCAM सिस्टम है, जिसको कि सीक्वेंशियल कलरियर्स ए मेमोरियल, इनका ये फ्रेंच नेम है। सारे सिस्टम ये बढ़िया है। इंडिया ने जो अडेप्ट किया है वो पाल 625 लाइन CCIR बोर्ड अडेप्ट किया है। NTSC और पाल बींग सिमिलर आर डेल टुगेदर, डील टुगेदर, दोनों सेम से हैं लगभग, इसलिए एक संग ही लेते हैं। और दूसरी बात यह है कि जो है इसकी बैंडविड्थ कितनी होनी चाहिए, इट शुड अकोमोडेट ह्यू एंड सेचुरेशन इन सेम बैंड ऑफ 7 MHz। ये कंपेटेबिलिटी की बात है, जहाँ तक ब्लैक एंड व्हाइट टीवी और कलर टीवी की, तो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी की जो बैंडविड्थ होती है 7 MHz, उसके अंदर ही है होनी चाहिए, कौन सी, ह्यू एंड सेचुरेशन। दूसरी बात यह है कि कलर सिग्नल शुड नॉट डिस्टर्ब द बैंडविड्थ इंफॉर्मेशन एंड वाइस वर्सा। कलर सिग्नल जो है ब्लैक एंड व्हाइट की इंफॉर्मेशन को डिस्टर्ब नहीं करनी चाहिए, और ब्लैक एंड व्हाइट की जो इन्फॉर्मेशन है वो कलर सिग्नल को डिस्टर्ब नहीं करनी चाहिए। इस तरीके से इसमें अरेंजमेंट होना चाहिए। और ये क्या किसके द्वारा किया जाता है, फ्रीक्वेंसी इंटरलीविंग के द्वारा, इंटरलीविंग के द्वारा। नाउ फ्रीक्वेंसी इंटरलीविंग पढ़ेंगे पहले, क्या है फ्रीक्वेंसी इंटरलीविंग। वीडियो सिग्नल बैंड बियर्स ए डेफिनेट रिलेशन विद द स्कैनिंग फ्रीक्वेंसीज। स्कैनिंग जो फ्रीक्वेंसी होती है उससे एक रिलेशन होता है, और इसमें जो एनर्जी कंटेंट होती है वीडियो सिग्नल के, कंटेंट इन द इंडिविजुअल एनर्जी बंडल्स, एनर्जी बंडल्स होते हैं उसके अंदर ये वीडियो सिग्नल की इंफॉर्मेशन होती है। और बंडल्स कहाँ होते हैं, बंडल्स जो है हार्मोनिक्स ऑफ लाइन, जैसे 15625 इसकी फ्रीक्वेंसी है, इसको अगर आपने FH मान लिया तो ये 2FH, 3FH, 4FH, 5FH पे ऐसे होते हैं ये बंडल्स। और कंपोनेंट्स ऑफ ईच बंडल सेपरेटेड बाय मल्टीपल ऑफ फील्ड फ्रीक्वेंसी, आगे देखेंगे अपन 50, 100, 150 इस तरीके से अलग अलग बंडल्स होते हैं। ईच बंडल हैज पीक एट एग्जैक्ट लाइन हार्मोनिक ग्रेजुअली रिड्यूसेस इन एम्पलीट्यूड ऑन अदर साइड। हार्मोनिक पे ये पीक होते हैं, एग्जैक्ट लाइन हार्मोनिक, और उसके बाद जैसे जैसे ये फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाती है इसका एम्पलीट्यूड रिड्यूस होता जाता है। एम्पलीट्यूड्स ऑफ बंडल रिड्यूसेस टूवर्ड्स हायर हार्मोनिक ऑफ लाइन फ्रीक्वेंसीज। तो ये देखिए अब ये एनर्जी बंडल्स है, FH के ऊपर ये मैक्सिमम है, 15625 है FH। अब सेकेंड हार्मोनिक के ऊपर जो है इसका एम्पलीट्यूड रिड्यूस हुआ, फिर थर्ड हार्मोनिक पे एम्पलीट्यूड रिड्यूस हुआ, इस तरीके से ये एम्पलीट्यूड रिड्यूस होता जाता है। तो ये देख रहे हैं आप, ये एम्पलीट्यूड जो है मेन हार्मोनिक, मेन फ्रीक्वेंसी से धीरे धीरे रिड्यूस होता चला गया। एनर्जी बंडल क्या होता है, ये वर्टिकल साइड बैंड कंटेंट लेसर एनर्जी देन द ओरिजेंटल बिकॉज ऑफ द लोअर रेट ऑफ स्कैनिंग फ्रीक्वेंसीज। वर्टिकल की स्कैनिंग फ्रीक्वेंसी होती है 50 और हॉरिजेंटल की होती है 15650। ओवरऑल एनर्जी कंटेंट डिक्रीज टू वेरी स्मॉल वैल्यू बियॉन्ड 3.5 MHz फ्रॉम द पिक्चर कैरियर। 3.5 MHz से दूर जो है एनर्जी कंटेंट जो है बहुत, जैसे देख रहे हैं अपन एम्पलीट्यूड घटता जा रहा है, 3.5 MHz अपार्ट इसका एम्पलीट्यूड बहुत स्मॉल रह जाता है। अ पार्ट ऑफ ब्लैक एंड व्हाइट अनयूज स्पेसिंग बिटवीन द बंडल, ब्लैक एंड व्हाइट के जो अनयूज के जगह होती है बीच में स्पेसिंग, उसके लिए अपन इस बंडल को यूज करते हैं। इट इज यूज फॉर कलर एनर्जी बंडल, ब्लैक एंड व्हाइट की जो स्पेसिंग होती है उसको, इसके लिए कलर एनर्जी बंडल को अपन यूज में लेते हैं। तो कलर एनर्जी बंडल क्या है, कलर सब कैरियर सो चूजन दैट साइड बैंड एनर्जी फ्रीक्वेंसी एग्जैक्टली फॉल बिटवीन हार्मोनिक्स ऑफ द लाइन फ्रीक्वेंसीज। इस तरीके से हम कलर सब कैरियर को यूज चूज करते हैं
ये लाइन फ्रीक्वेंसीज के बीच में आती है बिल्कुल, तो वो जो एनर्जी बंडल होता है वो जो बीच की स्पेस है उसको यूज कर लेता है। तो ये बीच में कब आएगी, जब इसका ऑड मल्टीपल होगा हाफ जो है लाइन फ्रीक्वेंसीज का। हैंस द सब कैरियर चूजन टू बी ऑड मल्टीपल ऑफ द हाफ ऑफ द लाइन फ्रीक्वेंसीज टू अवॉइड एनी क्रॉस टॉक बिटवीन बैंडविड्थ ब्लैक एंड व्हाइट एंड कलर इंफॉर्मेशन। हायर पोर्शन ऑफ ब्लैक ब्लैक एंड व्हाइट बैंडविड्थ इज चूजन टू प्लेस कलर ब्लैक एंड व्हाइट। सो एज द कलर सब कैरियर इज 567 टाइम्स हाफ लाइन फ्रीक्वेंसीज, तो पर्ल सिस्टम के अंदर 567 इंटू 15625 अपॉन 2, तो ये कलर सब कैरियर आ गई आपकी 4.43 मेगाहर्ट्ज। तो ये कलर की आपकी कैरियर फ्रीक्वेंसी है 4.43 मेगाहर्ट्ज। साउंड कैरियर होती है 5.5 मेगाहर्ट्ज अपार्ट, कलर होती है इसमें 4.43 मेगाहर्ट्ज अपार्ट। एनटीएससी के अंदर ये 455 से मल्टीप्लाई होता है और उसकी फ्रीक्वेंसी होती है, हॉरिजॉन्टल स्कैन फ्रीक्वेंसी होती है 15725, तो उसका हाफ कर दिया तो ये आ जाती है 3.58 मेगाहर्ट्ज एनटीएससी के अंदर। नाउ इंटरलीविंग ऑफ द एनर्जी बंडल, तो आप ये देख रहे हैं कि इसके अंदर जैसे 282H, 283H, तो इनके जो बीच की स्पेस है, तो अब ये कब आएंगी बीच की स्केल, जब आप ऑड हार्मोनिक्स ऑफ हाफ हॉरिजॉन्टल स्कैन रेट रखेंगे तब ये बीच की स्पेस आएगी। तो जैसे ये आ गई 563 FH अपॉन 2, तो ये किसका हाफ हो गई 280। इसी तरीके से आप देखिए 565 FH अपॉन 2, तो 282 प्लस 283 हो गया 565, तीन के मिड में क्या आ गया 565 अपॉन 2, और ये FH फ्रीक्वेंसी है, मेन फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है 15625, तो हमको रखनी है इनके बीच के अंदर जिससे कि इसकी बीच के स्पेस का यूज हो सके कलर इंफॉर्मेशन भेजने के लिए। तो ये लोकेशन होती है कलर सब कैरियर की। इसी तरीके से जैसे देखिए आप 283 284, तो इनका हाफ क्या हो गया, दोनों का मिड क्या हो गया 283 प्लस 284, तो ये हो गया 567, और इसका आधा हो गया 567 अपॉन 2 FH। तो इस तरीके से हम इसके बीच की स्पेस को कलर इंफॉर्मेशन भेजने के लिए काम में लेते हैं। द बैंडविड्थ ऑफ द कलर सिग्नल स्टडी शोज द आई कैन परसीव कलर इन ऑब्जेक्ट एरियाज 125th ऑफ द स्क्रीन विड्थ और मोर, फॉर स्मॉलर एरिया आई कैन ओनली परसीव इट ब्राइटनेस। और 0 से लेकर 0.5 मेगाहर्ट्ज तक ऑल कलर्स कैन बी सीन। सो फॉर स्मॉलर ऑब्जेक्ट कलर नॉट विजिबल ओनली शेड ऑफ द ग्रे, इसलिए जो है कलर की बैंडविड्थ जो है वो प्लस माइनस 1.5 मेगाहर्ट्ज है, तो 3 मेगाहर्ट्ज DSB SB डबल साइड बैंडविड्थ सप्रेस कैरियर के लिए 3 मेगाहर्ट्ज इसकी बैंडविड्थ होगी। तो थैंक्स अ लॉट, इस तरीके से आपने देखा इसमें किस तरीके से कलर टीवी का सिग्नल ट्रांसमिशन होता है, जिसमें NTSC, PAL और CKM सिस्टम